पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आमिर रियाज पर शुक्रवार रात लाहौर में नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। यह घटना तब हुई जब एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर बताया था। 73 साल के आमिर दुनिया न्यूज़ पर एक टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के बाद घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कार से बाहर खींचा गया और उनसे मारपीट की गई। हमलावरों ने उनके ड्राइवर से भी मारपीट की। आमिर के चेहरे पर खरोचें आई हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि नकाबपोश बदमाशों ने न केवल उन पर हमला किया और उनके कपड़े फाड़े, बल्कि वे उनका मोबाइल और पर्स भी ले गए। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद हमलावर भाग गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में पत्रकार को एक कार में बैठे हुए देखा जा सकता है और उनकी कमीज फटी हुई है। इस घटना के बारे में बोलते हुए पत्रकार आमिर ने कहा कि मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, जिन्होंने भी मुझ पर हमला किया उन्हें मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा, मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने सच बोला और मैं सच बोलता रहूँगा।